हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रंजीत कुमार टेक में। तो दोस्तों, ये गाड़ी है टाटा एस गोल्ड BS6 और इस गाड़ी के अंदर पुअर पिकअप की कंप्लेंट है, यानी कि गाड़ी में पिकअप बिल्कुल भी नहीं है और साथ ही साथ इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में SCR फॉल्ट का मैसेज शो होता रहता है। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो आज हम इस गाड़ी को मिनी TDS टूल की मदद से स्कैन करेंगे। ओके, और देखेंगे कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले TDS लाइट ऐप को ओपन कर लेंगे। ओके, और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले गाड़ी की डिटेल्स को फिलअप करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट और इंजन मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद रीस्कैन करेंगे इसको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक फॉल्ट कोड है P042D-00 और मेमोराइज में कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, कंफर्म में है सिर्फ एक फॉल्ट कोड, लेकिन इसका दोस्तों डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये फॉल्ट कोड जो है किस सेंसर का है या किस एक्चुएटर का है, तो उसके लिए हम एक और ऐप को ओपन करेंगे। ओके, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई भी अननोन फॉल्ट कोड हो जिसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं हो, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। और इस ऐप की मदद से दोस्तों आप ऑल ओवर इंडिया में जो भी कार अवेलेबल हैं आप उन सभी को स्कैन कर सकते हो। ओके, तो फॉल्ट कोड देखने के लिए एरर लुकअप में जाएंगे और यहाँ फॉल्ट कोड डालेंगे। तो कैटलेटिस टेम्परेचर सेंसर सर्किट बैंक 1 सेंसर 2 हाई, यानी कि जो कैटलिस्ट का SCR कैटलिस्ट है उसका जो टेम्परेचर सेंसर है सेंसर 2 यानी कि T5 उसका फॉल्ट कोड है। ओके, तो दोस्तों हम इसमें फिर से TDS लाइट ऐप को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि T5 सेंसर की पैरामीटर वैल्यू क्या है क्या नहीं है। जब तक हम दोस्तों TDS लाइट को गाड़ी से कनेक्ट कर रहे हैं, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी हमारा स्कैन टूल कनेक्ट हो रहा है, तो हम 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ रीड पैरामीटर पर क्लिक करना है और यहाँ से हम कुछ पैरामीटर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि T4, T5 और T6 सेंसर। T4, T5, T6 और स्टार्ट मॉनिटर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ सेंसर की वैल्यू आ रही है। ओके, यहाँ हम एक पैरामीटर और अटैच कर लेते हैं, इसका नाम है इंजन स्पीड, ताकि हमें पता लगता रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी ये गाड़ी स्टार्ट है और यहाँ T4, T5, T6 तीनों सेंसर की टेम्परेचर वैल्यू शो हो रही है। ओके, अभी मैं गाड़ी को एक्सीलेट किया हूँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ T4 और T6 दोनों सेंसर्स की जो टेम्परेचर वैल्यू है वो चेंज हो रही है, लेकिन जो T5 सेंसर है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। उसकी जो वैल्यू है 119.96 पर कांस्टेंट हो गई है, वो ना ही कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं T4 और T6 इनकी टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो लगातार चेंज हो रही है टेम्परेचर बढ़ने पे, लेकिन T5 की नहीं हो रही है। ओके, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको T5 सेंसर की लोकेशन दिखा देता हूँ। ओके, फिर हम उसकी वायरिंग हार्नेस को चेक करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम सेंसर को भी रिप्लेस करेंगे, अगर वायरिंग हार्नेस सही मिलती है तो। तो जैसे कि देख सकते हैं ये इसका CDPF का कैटलिस्ट है, ये T6 सेंसर है और इसके ऊपर जो लगा होता है वो T5 होता है दोस्तों। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये T5 सेंसर है इधर ऊपर की ओर। दोस्तों जब हमने इसकी वायरिंग को चेक किया तो हमें वायरिंग में कोई फॉल्ट नहीं मिला। तो अभी हमने इसका T5 टेम्परेचर सेंसर है उसको खोल लिया है। ओके, और अभी हम इसमें नया टेम्परेचर सेंसर लगाएंगे गाड़ी के अंदर, जो कि हमने जेन्युइन पार्ट मंगाया है जो कि 1820 रुपये का है। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे ये टेम्परेचर सेंसर को लगा दिया है। ओके, और यहाँ कनेक्टर को भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिठा दिया है और फिर से हम इस गाड़ी में TDS लाइट को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि फॉल्ट कोड क्या आ रहा है और जो टेम्परेचर की वैल्यू वो चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। तो
तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कंफर्म में फॉल्ट कोड नहीं है, और जो फॉल्ट कोड एक्टिव में था यानी कंफर्म में था वो मेमोराइज हो गया है। ओके, तो अभी हम कोड को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद व्हीकल पैरामीटर में फिर से चेक करेंगे कि जो टेम्परेचर सेंसर की वैल्यू है वो कितनी शो हो रही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले जो वैल्यू 119.96 पे कांस्टेंट हो रही थी, अभी वो T5 टेम्परेचर सेंसर की जो वैल्यू है वो 96.76 हो गई है। ओके, अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ और जैसे जैसे गाड़ी को मैं एक्सेलेरेट करूँगा वैसे वैसे इस टेम्परेचर सेंसर की भी वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी इस टेम्परेचर T5 की जो वैल्यू है वो लगातार चेंज हो रही है, और गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी अब कोई चेक लाइट, वार्निंग लैंप कुछ भी नहीं आ रही है और ना ही कोई मैसेज हो रहा है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।